ये बैठक हुई थी लेकिन बीजेपी के कोई पत्र नहीं है, क्या आपको लगता है कि सदन बेहतर तरीके से चल पाएगा? बीजेपी के लोग नहीं थे, स्पीकर ने भी इसके बारे में कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि हमने सूचना दिया है, सबको आना चाहिए। विधानसभा सब शुरू होता है आधिकारिक तौर पर, उसमें ही बातों की जानकारी मिलेगी। जिन्होंने विलय करने की घोषणा बाहर की है सदन से, वो सदन के भीतर क्या करते हैं, स्पीकर को उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है, और स्पीकर इस पर निर्णय क्या लेते हैं, स्पीकर का निर्णय ही सर्वोपरि होगा। सर नियम क्या कहता है, बस इतना आपसे जानना है कि नियम आप चूँकि जानकार हैं। नियम के बारे में तो संविधान में वर्णित है ना, ऐसी परिस्थिति में योग्य अयोग्य होने का निर्धारण स्पीकर ही करेंगे। उसमें कुछ परिनियम दिया गया है कि आप इस तरह से करेंगे। अब लोगों ने वैसा किया है कि नहीं किया है संविधान के मुताबिक, ये जानकारी तो हम लोगों को है, मीडिया से जानकारी मिलती है। जी हाँ, हाउस में कल बात आती है तभी पता चलेगा किसने क्या किया। आपने नज़दीक से देखा है सारी चीज़ों को, आपको क्या लगता है जो चीज़ें हैं वो खुले तौर पर अनुमान लगाने की बात तो है नहीं। प्रदीप यादव को निकाला गया, बंधु तिर्की को निकाला गया, फिर पार्टी को विलय किया गया, तो आपने भी इसको देखा, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने देखा है? देखिए, अब ये जो दो पक्ष उसमें हैं वो दोनों पक्ष ही कहीं शिकायत करेगा तभी दूसरी सुनवाई होगी। जी जी बिल्कुल, वो तो बाहर करते रहे हैं, कुश्ती करते रहे हैं और सदन के पटल को कुछ कहें ही नहीं, तो स्पीकर ऐसे हवा में तो कोई निर्णय लेंगे नहीं। उनके सामने विषय किस प्रकार से आता है तभी वो कानूनी राय भी ले सकते हैं, या बिना कानूनी राय लिए अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वोपरि है सदन में, उनका ही निर्णय चलेगा। तो ये सामने वस्तुस्थिति आ जाए, तथ्य आ जाए, तभी तो उसमें कुछ कहा जा सकता है। सर, सदन बेहतर तरीके से चले, एक सदस्य के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी? हम लोग तो देखिए इतना ही करेंगे कि हम लोग सदन को बाधित करने का प्रयास नहीं करेंगे। स्पीकर अगर कुछ जानना चाहेंगे, मंतव्य देना चाहेंगे, उसको हम वो देंगे। इसके अलावा तो हमारी कोई भूमिका बेहद विशेष है नहीं। अब मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं खुदाई खिदमतगार की तरह सबके यहाँ जाके बात करूँ। जी जी, वैसा करिए वैसा करिए, भी स्थिति नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि नई परिस्थिति पैदा हो रही है, कोई नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं, पुराने प्रतिमानों के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं, परंपराएँ पहले भी